करून दिलं हे लक्षात ठेवलं. तीन तीन केक. केक ले निकले हम लोग. तीन तीन केक. हेलो एसबीटीएंस, वेलकम बैक टू माय चैनल. तो मैंने एक स्टार्टअप शुरू किया है जो कि जैसे आपको मालूम है कि मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ. तो मैंने फाइनल डिसाइड किया कि तो रात में क्या बड़बड़ कर रही थी. ये रात को नींद में बड़बड़ कर रही है कि SBT व्लॉग्स ट्विस्ट तो होगा ही. और अम्मू क्या बड़बड़ थी मालूम है. अम्मू बोल रही थी परी चैलेंज करेंगे ना. ये लोग दोनों रात भर कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहते हैं. इतना व्लॉग्स का इन लोगों को वो दिमाग में चल रहा है कि रात भर बड़बड़ा रहे लोग. मैं रात को 3 बजे व्लॉग एडिट करके लाइव करके शेड्यूल करके सोया. उसके बाद जाके सोया तो इन लोग का बड़बड़ चालू हो गया. SBT व्लॉग्स ट्यूस तो होगा ही. नींद में क्या क्या बड़बड़ बड़बड़ कर रही है. हमको क्या मालूम तो नींद लेते हैं. कितने बजे उठे अभी. 11:30 बजे उठे. मैं नीचे जाके सब काम वाम धाम करके आया. 12:30 बजे उठ गया. 11:30 बजे उठ रहे बस. चलो छोटा सा इतना नीचे गए अभी मम्मी के साथ बाजार लाने. बाजार लाने नहीं, बाजार में से सामान लाने. ठीक है. चलो तो आप सोच रहे होंगे कि तीन तीन केक क्यों लिया हमने. तो मोक को तो आप जानते हैं, जो मेरा फ्रेंड है, जो लोग डेली व्लॉग देखते हैं मेरा तो लोग जानते हैं. तो उसका कल एनिवर्सरी था तो कल तो हम नहीं सेलिब्रेट कर सके क्योंकि कुछ लोग जगह पे नहीं थे दोस्त लोग. तो आज उसका एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे. और साथ ही दूसरा केक जो था वो मुकेश की मम्मी का कल बर्थडे है 14th को. तो कल उसकी मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे. और तीसरा केक अपने खाने के लिए लाया है ऐसे ही बस. क्योंकि मेरवांस में जो है केक बहुत ही चीप है. वही अगर मैं अपने एरिया में लूँगा तो मुझे 400 रुपये के नीचे मुझे कोई केक नहीं मिलेगा. कोई भी केक नहीं मिलेगा 400 के नीचे. सब 400 या 450, 400, 500, 550 ऐसा है. लेकिन मेरवांस से शुरू होता है 260 रुपीज़ में. तो और मेरवांस का केक तो डेफिनेटली बहुत अच्छा भी रहता है. क्वालिटी वाइज केक है, नाम है मेरवांस का. तो इसके लिए मैंने एक अपने लिए भी एक केक लेकर आया. हमको मीठा बहुत पसंद है तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाएंगे. वैसे मेरवांस का केक 3 दिन तक रहता है फ्रिज में. तो टेंशन नहीं, खाते रहो आराम से. तो बाइक अपना धुल के रेडी हो गया. चलो निकलते हैं घर के लिए. सो ये रहा हमारा केक. आई केक किधर गया. मेरवांस केक ये बन रहा है खाना. कितने बजे बन रहा है खाना. 1 बजे. 1 बजे खाना बन रहा है. खाएंगे कभी. 2 बजे. चल केक खाएगी तब तक. तो हमने लाया है मेरवांस का केक. अब इसको खाएंगे डबा डब टपा टप टपा टप. काट के खाएंगे. नहीं ऐसे डालता तेरे मुंह में ले. तेरे को नहीं देगा. तू क्या बोली. क्या बोली थी अभी. क्या बोली. नहीं खाएगी पागल. सॉरी नहीं बोली तूने. पागल बोली तूने. पापा कौन सा फ्लेवर है. कौन सा फ्लेवर है ये. ब्लैक फॉरेस्ट है. प्लेट ले ले. प्लेट ले ले. मेहरबानी की सॉरी बोल के. हाँ पागल भी बोलती है. सॉरी भी बोलेगी. लात भी मारी ना. लात भी मारी तू. सॉरी भी बोली लात मारी. हाँ ऐसा थोड़ी होता है. ब्लैक फॉरेस्ट यम्मी. गाइस
बहुत अच्छा है, यम्मी है ना। तो अपन बात करते हैं अपना स्टार्टअप की। तो मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर, जैसे मोस्ट ऑफ द लोगों को मालूम है। तो पहले मैं बहुत लोगों के काम करता था, बहुत लोगों के फ्रीलांस काम करता था, बट कोई बाहर वाला हो तो ही चार्ज करता था। बाकी एज़ पर फ्रेंड सर्कल या कोई अपना पहचान वाला, तो उनको कभी चार्ज नहीं करता था। मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता था कि छोटे मोटे चीज़ों के लिए मतलब पैसे मांगो या फिर वो। तो बट अभी आपको मालूम है कि कोविड की वजह से हालत क्या हो चुका है, फाइनेंशियली सबकी प्रॉब्लम हो चुकी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ। बट प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है कि मैं मोस्ट ऑफ लोगों को ऐसे ही काम करके दे देता हूँ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यार नहीं, अपने को भी एक्चुअली मेरा, मैं बहुत पहले से मतलब सोच, मैं अभी मतलब ऑलमोस्ट मैं 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ, और मैंने ऐसे बहुत सारे काम किए जो जिसके कभी मैंने पैसे वगैरह किसी से लिए नहीं। बट अभी कैसा है कि रिपीटेडली किसी का काम आता है, कुछ भी आता है, तो अभी मैंने किसी से कभी चार्ज नहीं लिया। बट अब ऐसा लगता है कि नहीं यार, कोविड है, अपना भी हालत ख़राब है, तो किसी को काम चाहिए। अगर वो काम उसका बिजनेस के हिसाब से वो काम अगर अपने से करवा के ले रहा है, तो अपने को भी फिर उसको चार्ज करना बनता है। और मुझे दो तीन मेरे दोस्त लोग बहुत बार मेरे को बोलते हैं कि बोले यार तू अपना विजिटिंग कार्ड डाल वगैरह, अपना अपने फ्रीलांस के बारे में अपने को लोगों को बता। बट मैं कैसा, जॉब पे जाने के बाद भी फिर उतना टाइम नहीं मिलता है, फिर जो बचा कुछ टाइम मिलता है फैमिली के साथ। और अब मैंने व्लॉगिंग चालू की, लास्ट 6 मंथ से मैं व्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, तो मुझे और भी टाइम नहीं मिलता। कल मैं 3 बजे तक मैं एडिट करके फिर बाद में उसको लाइव करके शेड्यूल करके फिर मैं सोया, 4 बजे तक सोया फिर मैं, क्योंकि वो रेंडरिंग वगैरह होने के लिए भी एक डेढ़ डेढ़ घंटा लगता है, तो उसके वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता। एक बार ऑफिस जाके आने के बाद दिन भर उधर उधर काम करो, वही काम फिर बाद में फिर घर पे भी आके करो, मतलब तो वो कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेंथ नहीं रहता। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कितना डिफिकल्ट होता है एक्चुअली। लोगों को लगता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग एकदम नॉर्मल है, पर उतना जितना अपन देखते हैं उतना नॉर्मल है नहीं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो फाइनली फिर मैंने 2 दिन पहले मैंने अपना कार्ड बनाया मैंने, और मैंने सोशल मीडिया पे ऑलमोस्ट यहाँ पे पोस्ट कर दिया है कि भाई अब नाउ आई एम ए चार्जेबल। तो किसी को भी कुछ काम है, कोई भी ग्राफिक डिजिटल रिलेटेड काम हो, विजिटिंग कार्ड्स हो, फ्लायर्स हो, या मार्केटिंग रिलेटेड कोई भी काम हो, तो आप लोग मुझे मेरे नीचे, मैंने पूरा डिटेल्स दिया है, मेरा नंबर वगैरह दिया है, तो आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर किसी को भी कुछ कोई काम करना है, कोई लोगो बनाना है, कंपनी का ब्रांड लोगो बनाना है, कोशिश करेंगे कि होप्सो कि अब ये स्टार्टअप जो है मेरा, नया स्टार्टअप जो है फ्रीलांस का, ये थोड़ा रफ्तार पकड़े और थोड़ा थोड़ा इनकम जनरेट हो, जिससे ये लॉकडाउन में जितना लॉस हुआ है अपने को, तो वो थोड़ा रिकवर हो जाए और बैक टू नॉर्मल पे आ जाए। अभी बिल्कुल बैक टू नॉर्मल पे नहीं है, हालत ख़राब है, बट ठीक है, चल रहा है। ऊपर वाले का दुआ है, साई की कृपा है कि भाई 2 टाइम अच्छा खाना तो खा रहे हैं, तो हाँ। बट ज़रूरत है बहुत ऐसे छोटे छोटे काम की, जिसका जो छोटा छोटा इनकम आएगा उसकी बहुत ज़रूरत है। यस, तो किसी को भी कोई भी अगर ग्राफिक रिलेटेड काम हो, एडिटिंग रिलेटेड काम हो, या सीखना भी हो, तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, मैं उनको ऑनलाइन भी सिखा सकता हूँ। मुझे फोटोशॉप, कोरोड्रॉ, इनडिज़ाइन, प्रीमियर प्रो, ये ऑलमोस्ट मुझे आता है। प्रीमियर प्रो थोड़ा बेसिक आता है मुझे, बट मैं आपको सिखा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। यस, ये था अभी मेरा न्यू स्टार्टअप जो मैं शुरू कर रहा हूँ। तो ये रहा मेरा कार्ड, श्रीनिवास थाला, ग्राफिक डिज़ाइनर, ऑल टाइप ऑफ डिज़ाइन मेड्स, विजुअल आइडेंटिटी, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, पब्लिकेशन, पैकेजिंग्स, बैनर्स एंड फ्लैक्स। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9867140004। तो जिसको भी कुछ भी काम हो तो प्लीज़ बता सकते हैं। थैंक यू। Amazon Prime is good। बहुत टाइम के बाद रिचार्ज किया, क्योंकि उस पर वैसे पिक्चर आते नहीं ज़्यादा, अभी सब वही पुराने पिक्चर है इसके लिए। तो अभी मैंने देखा, चेक किया कि बहुत सारे नए पिक्चर आए, इसके लिए सिर्फ 3 महीने का रिचार्ज किया ज़्यादा। तो देखते हैं वकील साहब फिलहाल के लिए। पावर स्टार पवन कल्याण, वकील साहब मंचो ना थिएटर एक्सपीरियंस।
प्राइम का पैसा वसूल हो गया, 3 महीने का 329 रुपया। थिएटर में जाओगे तो वैसे भी एक टिकट का भले ही 150 रुपये लगे या 200 लगे, खा पी के तो मतलब 500-1000 रुपये तो हो ही जाता है। तो यहाँ पे हमने घर में बैठ के थिएटर का मज़ा लिया। प्राइम इज़ बेस्ट, एकदम अच्छा है HD और तेलुगु पिक्चर मतलब और मज़ा आता है सोने पे सुबह का तेलुगु पिक्चर रहेगा तो, और उस पर पवन कल्याण, वाओ पावर स्टार। ये सब डालने का नहीं वीडियो में डाल सकते, कुछ नहीं होता। अभी एक्टिव नहीं है मैं, क्यों चैट खत्म हो गया आपके? अरे वो एक्टिव नहीं उधर चैट में बोल रहा है, एक्टिव नहीं है वो। अभी कोई नया कंपनी का डायरेक्टर है तो वो बोल रहा है अभी मैं एक्टिव नहीं है, डायरेक्टर भी चालू है उसका प्रोसेस। ठीक है तो जरा नाश्ता वास्ता करना, भूख लगेगा। भूख लगेगा तो फिर भी आता है नहीं तो। अभी देखो अभी रोज का क्या हो गया, हमारा रूटीन क्या हो गया है कि सुबह उठने का लेट, सिस्टम चालू करने का, काम पे बैठ जाने का, नहाने का, फ्रेश होने का, कुछ काम रहेगा तो पटाने का, फिर ठीक 5 बज गया कि नहीं अगर धूप निकल गया तो क्रिकेट खेलने के लिए ऊपर जाने का टेरेस पे। अभी आज ऐसे ही मैं लेट गया क्योंकि प्राइम लेने के बाद में वो पिक्चर देखते बैठा, और पिक्चर इतना इंटरेस्टिंग था पवन कल्याण ने तो फाड़ दिया, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग था कि वो उधर से मैं उठा रेडी भी हुआ कि बोले यार 5:30 बज गया 6 बज रहा है तो मैं जाता हूँ खेलने के लिए, लेकिन जाने को नहीं। वो जो इंटरेस्टिंग था, जो इंटरेस्ट था उस पिक्चर पे, उससे मेरे को सीट से उठने नहीं दिया, फिर मैं फिर बैठ गया पूरा पिक्चर कम्प्लीट होने के बाद, फिर मैं ऊपर गया। 2 मैच खेलने मिला लेकिन फिर भी मेरे को फिर भी खेल के आया ना, 2 मैच खेला। ज़रूरी है फिटनेस के लिए, ज़रूरी है भाई, थोड़ा भागेंगे तो ऐसे तो सुबह उठ के जाते नहीं अपन, तो कम से कम ऐसे ही। चलो अभी तो बंद हो गया है लॉकडाउन की वजह से, तो कम से कम ऐसे ही नहीं, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि अर्ली मॉर्निंग उठ के टेरेस पे जाऊँ, टेरेस पे जाके थोड़ा बहुत बार सोचे और बंद भी हो गई 2 दिन जाके आए। नहीं नहीं करेंगे, वैसे अपन कौन सा मोटे करके करेंगे, थोड़ा पेट का बस, बाकी तो सब ठीक है, सब ठीक है। ए ड्रामा क्वीन उठ गया, बोल हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये हो रहा है 12 11 नहीं रहा, 12 हो रहा है 11 12। तो मेरे को बहुत काम है गाइस, अभी अभी ये व्लॉग एडिट करूँगा उसके बाद सो जाऊँगा। तो ये व्लॉग को यहीं पे साइन ऑफ करते, टेक केयर, बाय बाय।